हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय लास्ट वीडियो। सो आज के पार्ट में हम ड्रॉ करेंगे प्रोफेसर की फेस। तो पहले मैं प्रोफेसर की आई ड्रॉ करूँगी। इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कैमल की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। बेसिकली नॉर्मल प्रोसेस से हम ड्रॉ करेंगे। अब मैं आई में थोड़ा सा हाईलाइट्स किया टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर से। एंड अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आउटलाइन की 4B पेंसिल फॉर अदर्स एरिया की शेडिंग के लिए। इसी तरफ से मैं स्टेप बाय स्टेप आई को पूरा से पूरा ड्रॉ कर रही हूँ। एंड जहाँ पर मुझे ब्लेंडिंग की ज़रूरत है वहाँ पर मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड कर रही हूँ। ग्लास का जो अंदर का पार्ट है उसके लिए मैंने तो पेपर स्टम्प के ऊपर लगी हुई जो ग्राफाइट है उसका इस्तेमाल किया। एंड मैं अपर हेड का जो शेडिंग है उसको ब्लेंड कर लिया ब्लेंडिंग स्टम्प से। एंड जो ग्लास का जो फ्रेम है चश्मा का उसको मैंने पूरा का पूरा ड्रॉ कर रही हूँ 8B और 6B पेंसिल का हेल्प लेके। आप चाहो तो चारकोल के भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर ग्राफाइट का इस्तेमाल किया तो उसलिए मैंने यहाँ पर ग्राफाइट का हेल्प लिया। तो कुछ इस तरफ से स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करना पड़ेगा। आप आईब्रो को एक एक करके धीरे धीरे ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड आप बढ़िए जो माउथ स्ट्रेच की, इसके लिए आपको बहुत धीरे धीरे पहले एक शेडिंग एंड उसके बाद हर एक बाल को पकड़ पकड़ के धीरे धीरे शेडिंग करना पड़ेगा। तो कुछ बेसिकली फर्स्ट टाइम आपको इस तरफ से शेडिंग। एंड नॉर्मल आप मेरे पिछले वीडियो में भी देख सकते हो कि किस तरफ से हमको बियर्ड ड्रॉ करना चाहिए, उसी तरफ से आपको बियर्ड ड्रॉ करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। एंड बियर्ड ड्रॉ करने के वक्त आपको एक एक करके पकड़ के धीरे धीरे करना चाहिए, कोई भी जल्दबाजी में करना नहीं चाहिए। अब मैं ड्रॉ करूँगी हेयर। तो इसके लिए मैंने तो जो कैमल की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल आती है उसका इस्तेमाल किया। तो पहले मैं तो इस तरफ से शेडिंग कर लूँगी एंड उसके बाद पकड़ पकड़ के एक एक करके ड्रॉ करूँगी। तो हेयर तो ड्रॉ हो चुका, किस तरफ से हेयर ड्रॉ करते हैं या मेरे चैनल में मिल जाएगी आपको, देख लेना। अब मैं मोनो जीरो इरेजर से हाईलाइट कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने नॉर्मल टेप लगाया है अब मैं उसको उठा लूँगी। तो बेसिकली जो पोर्ट्रेट है कम्प्लीट हो चुका, बहुत सिंपल सा पोर्ट्रेट। देखो इस स्टेप में भी मेरा पेज डैमेज हो गया, पता नहीं कैसे हुआ, तो कोई बात नहीं। एंड फाइनली पोर्ट्रेट कंप्लीट हो चुका। तो अब मैं साइन कर लूँगी। इसके लिए मैंने माइकॉन का पेन का इस्तेमाल किया। आप चाहो तो नॉर्मल पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कर देना। इस टाइप के वीडियो को चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे जल्द ही।